नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर राजधानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार तक कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के साथ काफी समय बिताया था और एक आज का वक्त है जब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है तो वो कवि कुमार विश्वास ही है। चुनाव के वक्त खालिस्तान के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने वाले कुमार विश्वास ने इस बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनके एक बयान की वजह से जमकर लताड़ा। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब सरकार की कम फजीहत हो रही थी कि अब पंजाब से ही राज्यसभा का रास्ता तय करने वाले पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा ने आदिवासियों के खिलाफ बयान देकर पार्टी की जमकर फजीहत करवा दी। दरअसल आप सांसद राघव चड्ढा के इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राघव चड्ढा सरकारी अधिकारियों के तबादले को लेकर कहते हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें दंड के रूप में आदिवासी मामलों जैसे विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कौन सुनेगा। यानी आप सांसद राघव चड्ढा आदिवासी मामलों से जुड़े विभागों को अधिकारियों के लिए दंड के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि किसी सरकारी अधिकारियों को अगर दंड देना है तो उसकी पोस्टिंग आदिवासियों से जुड़े विभागों में कर देना चाहिए। जिस विभाग को सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाया उस विभाग के बारे में आप सांसद राघव चड्ढा ने इस तरह की बात बोली तो कवि कुमार विश्वास का पारा हाई हो गया और इन्होंने तुरंत एक ट्वीट में भगवान राम का जिक्र कर राघव चड्ढा को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा, ट्राइबल में काम करना क्या पनिशमेंट है? अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र श्री राम भी इन्हीं ट्राइबल में काम करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने थे, पर पुरुषार्थ की मलाई चाटने वाले इन अलशेषियन चिंटुओं की प्रजाति देश के आदिवासियों वनवासियों व दलितों के प्रति अपनी घृणा कब छोड़ेगी। कुमार विश्वास ने इस ट्वीट के जरिए आप सांसद राघव चड्ढा को याद दिलाया कि जिन आदिवासियों के साथ मिलकर काम करने के बाद भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, उन आदिवासियों से जुड़े विभाग भला सरकारी अधिकारियों के लिए पनिशमेंट कैसे हो गए। राघव चड्ढा के इस बयान पर सिर्फ कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक लिख दिया, शर्म आती है मुझे कि कभी मैं राघव चड्ढा जैसे युवाओं में उम्मीद देखी थी। आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए आदिवासी मामलों से जुड़े विभाग को सरकारी अधिकारियों के लिए पनिशमेंट के तौर पर देखने वाले राघव चड्ढा के इस विवादित बयान के खिलाफ लोगों का भी इस तरह से गुस्सा भड़क रहा है और कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने ही उन्हें इस बयान के लिए जमकर लताड़ा। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो शर्म आती है कि मैंने कभी राघव चड्ढा जैसे युवा नेताओं में उम्मीद देखी थी। बहरहाल जिस तरह से नए नए राज्यसभा सांसद बने, राघव चड्ढा ने आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए विभाग को सरकारी अधिकारियों के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग बताई है, उनके इस विवादित बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।